तैयारा और अब देखो कि परमेश्वर स्वतंत्रता दिवस पर सबसे पहले तो मैं उन शहीदों को नमन करता हूँ जिन्होंने आज तक अपने लिए जो अपन आज चैन की नींद सो रहे हैं यहाँ पे अपने लिए कितनी ही कुर्बानियां दी और इनके लिए मैं उन सभी को नमन करता हूँ। और देखो मेरी चीज ये है मैं देश के लिए ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा कुछ नहीं कर सकते अपन सीधी बात है। पहली बात तो यह है देविका ने भी कल परसों ही बताया था कि पहले तो अपन जब अपने लिए ही नहीं करेंगे तो देश के लिए क्या करेंगे सही बात है ना। तो सबसे पहले तो मैं भाई अपन एक काबिल इंसान बनेंगे तभी तो देश के लिए कुछ करेंगे। अब मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि अब देखो जो करने वाले हैं वो कर रहे हैं सीमा पे कर रहे हैं। सर ने भी कल ही बताया था कि अपन तो उनकी रेस्पेक्ट भी नहीं करते अपन तो उनकी रेस्पेक्ट भी नहीं करते जो जिनका माता को बेटा मर गया सेना पे शहीद हो गया तो अगर उसका बाप आपके पास आकर कुछ सहायता मांगता है तो आप मना कर देंगे उसको क्या बताया अरे देगा नहीं देगा सही है ना। तो मतलब ये बात हाँ तो की बात हो गई मेरे देश को आप हो देश पर तो देश पर लेकिन कुछ उस तरह से करेंगे ना अपन उस लाइक बनेंगे तभी तो कुछ करेंगे देश के लिए। तो देशभक्ति के लिए सबसे पहला टारगेट क्या है अपना फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे अभी अपन यहाँ बैठे सीएसआईआर करने के लिए तो पहली देशभक्ति तो अपनी यही है कि सीएसआईआर नेटीआर क्लियर होगा तभी तो अपन आगे बढ़ेंगे और तभी तो अपन देश के लिए कुछ करेंगे नहीं देश तो आज तक अपने लिए करता आ रहा और करता रहेगा अपन कुछ नहीं कर सकते सही है। तो मैं आपको एक जनरल सी छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ उसको आप ध्यान से सुनिएगा जनरल आपने लगभग सभी ने सुन रखा उसको लेकिन एक बार फिर भी तो देखो सबसे पहले एक 18 साल का लड़का था 18 ईयर वो वार्ड मेंबर हो गया ना अपने देश यहाँ पे वार्ड मेंबर का इलेक्शन तो वो वार्ड मेंबर का इलेक्शन लड़ता है वो हार जाता है उसको ठीक है वार्ड मेंबर के इलेक्शन लड़ने के बाद वो हार जाता है उसको फिर वो सोचता है यार मैं तो वार्ड मेंबर का नहीं जीता जिसमें 300-500 लोगों के 1000 लोगों के वोट पड़ते हैं फिर उसके बाद में वो मेहनत करता रहता है वो उसकी जानकारी को आगे बढ़ाता है कुछ करता है उस क्षेत्र में जिसमें उसको इंटरेस्ट है। उसके बाद में जैसे अपने यहाँ पे महापौर होता है वो महापौर के लिए इलेक्शन लड़ता है उसको तो वो महापौर में भी अनसक्सेस हो जाता है असफल हो जाता है ठीक है 23 साल का हो जाता है उस टाइम को 23 ईयर्स में दो असफलताएं आ गई उसकी लाइफ में फिर इसके बाद में सोचा यार मैं महापौर भी नहीं बना अभी फिर भी वो चुपचाप नहीं बैठा फिर भी वो उस रास्ते को नहीं छोड़ा जिसको उसने पकड़ा था 29 साल का हो गया वो नहीं 25 ईयर में उसने फिर एक पार्षद का इलेक्शन लड़ा 25 ईयर में उसको भी वो हार जाता है कंटिन्यू 3 बार असफल हो गया फिर उसकी शादी हो जाती है घर वाले भाई शादी कर देते भाई तू शादी कर दे पहले तू सही है भाई तो ऐसे रह जाएगा पता नहीं वो शादी कर देते हैं उसकी फिर उसके बाद में 29 ईयर में वो इलेक्शन लड़ता है जैसे अपने यहाँ पे एमएलए का होता है वो एमएलए का इलेक्शन हार जाता है फिर उसकी हिस्ट्री उसकी बीबी को बताता भाई देखो मैं यहाँ ये लड़ा था वार्ड मेंबर का ये भी हार गया इसके बाद में ये लड़ा इसके बाद में ये लड़ा ये हार गया मैं वो देखिए आगे तो मामला गड़बड़ है इसका फिर इसके बाद में अरे रुको फिर इसके बाद में वो 34 ईयर में वापस एमएलए का इलेक्शन लड़ता है उसको भी हार जाता है वो उसकी बीबी उसको छोड़ के चली जाती है फिर सही है ना भाई असफल था वो असफल होता जा रहा था उसको छोड़ गए वो मतलब कोई भी साथ नहीं दिया उसका कि यार कोई मतलब नहीं है इस इंसान का एक पागल हो चुका है पूरी तरह से लेकिन वो फिर भी मेहनत कर रहा था कि नहीं मैं किसी ना किसी दिन सफल होकर दिखाऊंगा आप सभी को। फिर वो 39 ईयर में सांसद जैसे यहाँ पे सांसद होते हैं वैसे सांसद का इलेक्शन लड़ा हो उसमें भी वो असफल हो गया उसमें भी अनसक्सेस हुआ हो और पूरी तरह से अनसक्सेस हुआ कि वो वापस लड़ने लायक नहीं रहा इलेक्शन लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी। वही व्यक्ति 51 वर्ष की उम्र में अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है और उसका नाम है अब्राहम लिंकन। अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति बनता है अब्राहम लिंकन। उसके लाइफ की ये मोड है जब वो छोटा था तब उसको बुक्स पढ़ने का बहुत इंटरेस्ट था और वकालत में भी उसको इंटरेस्ट था तो उसके पास बुक्स पढ़ने के पैसे नहीं थे मतलब बुक्स परचेज करने के तो उसको पता चला कि यार मेरे गांव के उसके गांव के बगल में से रिवर जा रही थी नदी तो उसको पता चला कि यार एक न्यायाधीश रहता है मेरे रिवर के उस साइड वो एक बोर्ड लेता है उदाहरण नाव और उसको लेके खुद ही
जाता है वो शिला से टकरा जाती है और वो बीच में तैरने लग जाता है। फिर वो सोचता है यार मैं वापस जाऊं या किधर जाऊं, वो सोचता है यार मैं किधर जाऊंगा, आधी दूर तो आएगा, क्यों ना मैं आधी दूर इधर ही तय कर लूं, बाद की बात में दिखी जाएगी। तो अपने लक्ष्य की तरफ चल दिया। उस टाइम वो गया वहां पे एक ही करता न्यायाधीश का, उस टाइम वो वहां नहीं थे, वो गया वहां पे झाड़ू निकाल दी उसने, उसने कम्प्लीट साफ सफाई कर दी कम्प्लीट, और वो जब न्यायाधीश आए तो बैठा था, आते उसने नमस्कार किया। उसके बाद में बोला कि सर जी कि अय्या मेरे घर की सफाई किसने की, कि सर मैंने की है और मैं आपके लिए रोज सफाई कर सकता हूँ, मैं आपके लिए भोजन भी बना सकता हूँ और मैं आपकी हर तरह की सेवा करूंगा सर, बस मुझे बुक्स पढ़ देने दीजिए आपकी। वो उससे काफी इंप्रेसिव हुए और उसको बुक्स पढ़ने के लिए दे दिए। उसके बाद में जैसे हाई कोर्ट उस सुप्रीम कोर्ट कोई से भी मैं जब वो जाकर वकालत करता तो हर एक जज उसकी बात को ढंग से सुनता वकील को, तो भाई उसमें कुछ स्पेशल था तभी तो वो सुनता था। तो उसने भी ये बुक्स पढ़कर और ये अचीव किया है। और एक चीज आपको और बता दूं मैं कि को कहते भाई केमिस्ट्री नहीं प्रेजेंट किया आपको, केमिस्ट्री आप कुछ रही हो, अगर आप हो कुछ भी आपकी कोई भी आपकी रेस्पेक्ट करेगा तो केमिस्ट्री की वजह से ही होगी। पड़ी यह पंडित आते हैं सही है। तो एक दिन वैसे ही कटिंग करा रहा था और नाई की दुकान पे बैठा था। अब एक एजुकेटेड आदमी है, वो बढ़िया यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर है लॉ कॉलेज में, मैं उनकी तरफ पीछे देखा नहीं बैठा था। वो आते ही कर क्या कर रहा है, बाकी सर केमिस्ट्री से एमएससी हो गई। इधर पता है एटम क्या होता है, एटम क्या होता है, हमें कटिंग करवा रहा। फिर मैं सोचा यार, फिर मैं उनकी तरफ नहीं देखा, फिर भाई ज्यादा ज्ञान लगाने से क्या मतलब है। मैं बोल गया सर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पार्टिकल इज नॉलेज। अच्छा तो गाँव का दिखता है, यहाँ सर में गाँव का ही तभी तेरह दे सकती है इतनी। फिर मैं देखा यार ये तो मामला थोड़ा स्ट्रॉन्ग तरीके से बताना चाहिए था। फिर वो बोला ये डाल्टन, इसके बाद में ये है, इसके बाद में है पॉजिट्रॉन, ये फिर भी यार आपको ढंग से लेवल से बताना पड़ेगा अगला क्वेश्चन। तो फिर उन्होंने पूछा सर बता, वो पूछे मेरे को कि ये बाल्टी पड़ी है क्या है, बाकी सर पॉलीमर है प्लास्टिक का पीवीसी का पॉलीविनाइल क्लोराइड का पॉलीमर। फिर उसके बाद में उन्होंने 10-15 क्वेश्चन पूछे, फिर मैं उनको बताया। फिर उन्होंने कहा तब मैं मुझे फील हुआ रिसर्च 3-4 दिन पहले बोले थे उससे पहले कि आपको केमिस्ट्री ही रिप्रेजेंट करेगी, केमिस्ट्री से ही आपकी वैल्यू होगी, इसके अलावा आप कुछ नहीं हो अगर केमिस्ट्री नहीं आती है आपको। तो मैंने सोचा कि सही बात है और जेविसर अपने वह पढ़ाते रहते हैं तो मैं जनरली 3 चीजें मतलब जेविसर में खोजता हूँ जैसे दिखती है, मतलब एक एक तो दो इन होता है ना, दो इन शेर होते हैं तो यहाँ खड़े रहेंगे शेर की तरह घूमेंगे। सेकंड टाइगर, टाइगर टाइगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया सर ये बताओ, अरे फिर उसको प्रेम से बताएंगे, अरे भाई ये देख क्या रे, अरे यहाँ तो देख तू। भैया आप रुको एक मिनट, मैं बोल गया क्या बोल, हाँ एक बात और देखो, जब भी मैं पढ़ते एक दिन क्या हुआ जब सर में यहाँ पे जब सर की मेहनत पढ़ देखते हैं जनरली 10-12 घंटे कंटिन्यू पढ़ाते हैं, नाइट में वीडियो बनाते हैं 11-1-2 बजे तक और इसके बाद भी सोते हैं, सपोर्ट कर वापस आ जाते हैं कंटिन्यू रेगुलर अपने 3-4 दिन के ऐसे क्लास नहीं हुई कंप्लीट, इसमें अपना आज क्या कंडीशन थी देख रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था मेरे को कब सो रहा था कब 12 बजे आज मैं इसी तरह से शेयर करके आया था भाई ऐसे ही। तो मेन चीज क्या है सो, तो एक दिन मैं रात में सो रहा फिर उठा तो उस टाइम के बन रहा था, फिर मैं सोचा यार जेबी सर अभी भी वीडियो बना रहे हैं उनके साइड, तो क्यों ना मैं भी उठकर पढ़ लूं। मैं उस दिन 1 बजे से लेकर 6 बजे तक उठकर पढ़ लिया, मैं कंटिन्यू 2 दिन तक बिल्कुल नहीं पढ़ा, नींद ही नींद आई मेरे को अगले 2 दिन। तो जेबी सर रियली रियली ये बहुत अच्छी चीज है और मैं मेरा आइडिया जेबी सर कोई मानता हूँ, मानते हैं ना सब अपना एक आइडिया चूज करते हैं, जैसे फादर मदर का आइडिया है अपने, लेकिन जैसे अगर मेहनत के मामले में और आपको देखा नजर देखा जाए तो मैं जेबी सर को अपना आइडियल मानता हूँ और मैं जेबी सर
ये विजय को देखकर ही मेहनत करना चाहिए। और हाँ एक चीज और, जब अभी यहाँ पे देखे पहली बार जब मैं यहाँ पे ग्रेविटी वेव आ रहा था 26 तारीख को, 26 जनवरी को फर्स्ट डे, मुझे पता था भाई वहां फंक्शन होगा ग्रेविटी में, तो मैं आके बैठ गया यहाँ पे। फिर जयभीषण ने कहा, जयभीषण ने कहा कि आप मास्टर लोग हो, आपको बोलना होगा, आप आगे पढ़ाओगे, आपको ये करना होगा। फिर मेरे तो जोश आ गए कि यार बोलना तो चाहिए, बात चीज सही है, आगे क्या करेंगे नहीं तो। फिर जयभीषण ने कहा कोई बोलना चाहता है, तुरंत आ गया फिर, है ना, आते ही कुछ भी बोला मैं, कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोला मैं। उसके बाद में डिपार्टमेंट में कंटिन्यू चार बार चार फंक्शन हुए थे, चारों में ढंग से स्पीच दी मैंने, है ना, कोई टू फेज चला रहेगा। तो मतलब मैं जयभीषण से ही सीखा हूँ रियली, मेरी लाइफ का ट्रेनिंग मोड तो जयभीषण ये एक तरीके से। और एक चीज और, डेडिकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द अदर थिंग्स। देखो जैसे बोलते रहते हैं भाई यार ऐसी ये कोचिंग अच्छी नहीं है, यहाँ ये टॉपिक है, वहां वहां इतनी सीट दे रहे हैं, वहां ऐसी ट्यूशन करा रहे हैं, ये वो। मैं बाहर एक दिन और की लेक्ट को पढ़ लिया था, लेक्ट हो गई जब यहाँ पे, है ना, वहां पे एक लड़का बोला मेरे को, नहीं केमिकल का, केमिकल में बेटा के बोल दिया, वो पूछा मेरे को ट्यूशन में बता दिया। फिर वो ध्यान लगाने लगा ये क्यों हो रहा है ऐसे, फिर मैं सुनाया ट्यूशन में बताया नहीं, फिर मैं तू बता क्यों हो रहा है, फिर वो ऐसे गोल मोल कर रहा था उसको, तो नॉर्मल बात थी उसी को, मैं ज्ञान मत लगा यही है। फिर वो नहीं यार हमारे साथ, मैं कह रहा हमारा मैं यहाँ पे कोचिंग आता हूँ, ओनली जयभीषण इज द ओनली टीचर इन इंडिया एट परसेंट, मेरे लिए जयभीषण ही ओनली एक टीचर है। डेडिकेशन नहीं होगा ना, डेडिकेशन नहीं हो सकता तो अपन नहीं कर सकते यार, मेरे तो देख 10 ट्यूशन ही है, उसमें उस कोचिंग में 20 ट्यूशन करा दिए, अरे 10 तो आएंगे नहीं, 20 का क्या करेंगे अपन, देखे। डेडिकेशन आप बिल्कुल चिंतित रहेंगे, कहीं वो बोलते यार वहां ऑर्गेनिक अच्छी होती है, वहां फिजिकल बढ़िया होती है, वहां इंडोर, अरे कुछ बढ़िया नहीं होती, यह जो और वो सबसे बढ़िया है। ये मैंने फील किया और मेरा भाई भी बोलता रहता मुझे, मैं बोल दिया कि अभी तो यही बढ़िया है, यही है लास्ट एंड फर्स्ट एंड लास्ट, अब यही, इसके बाद में कुछ नहीं करेंगे, नहीं होगा तो भी मैं तो घर बैठ के तैयारी करूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, सही है। तो मैं जयभीषण को एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ, और इस देश के लिए करने की जो बात है वो यह है, जब मैं काबिल बन जाऊंगा तब सोचूंगा ना भाई देश के लिए तो क्या करना, अभी तो पापा अपने लिए कर रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं, सही है ना, ओके।